साडे नाल इत्थे होर भी जिहड़े समर्थन विच आए ने आपां उहनां नाल गल्लबात करदे आं। सर की नाम है तुहाडा? मेरा नाम हरजाप सिंह मक्खण है जी। मक्खण जी की कहोगे भारत बंद अज हैगा किद्दां दा तुहानूं उहदा सहयोग मिलेगा? फुल बटा फुल, सारी दुनिया हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा किसान संयुक्त मोर्चे के नाल वा, क्योंकि लोगों को पता लग गया भी जिहड़ी मोदी सरकार वा ये लूटुआ का टोला आ। इन्हां ने दुनिया नूं लुट्टण तो सवा अडानी अंबानी ते कारपोरेट घराणियां नूं अमीर बनाउण तो सवा इन्हां ने हिंदुस्तान का डका नहीं तोड़िया। इन्हां लोकां लई काम कीता तां इन्हां लई करना इन्हां ने। की फर्क पऊंगा तुहानूं लगदा अज भारत बंद दा केंद्र सरकार ते? उन्हां दी नींद उड़ी होणी है, उन्हां नूं अपने कमरे च बैठे नूं एसी वाले च तरेलियां आउंदियां होणी, तुसीं कहने फर्क पऊगा? फर्क इदां नहीं पैणा। आ जो लोक आ, लोक दीदे नहीं सड़कां ते तुरे फिरदे, लोकां दा आवाम लोकां दी गल, लोकतंत्र रहा कित्थे है जी हिंदुस्तान च? तुसीं मीडिया है, तुसीं प्रेस हो, तुसीं दसो सानूं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान च हैगा? लोकां दी गल सुनी जांदी आ, लोकतंत्र दे विच तां लोकां दी गल सुनी जांदी आ। ते आपां हुण इह जद तक कानून वापस नहीं हुंदे, MSP दी गरंटी नहीं मिलदी, आपां इदां ही लगातार रखांगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, लड़ांगे 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 लड़ांगे। तो तुसी देख सकते हैगे हो कि एक आम जिहड़े हैगे आ, बेशक किसान लीडर ना भी होण ते आम लोग हैगे, आपां उहनां नाल होर भी गल्लबात करदे आ। सर की नाम है तुहाडा? मेरा नाम लंबड़दा जतिंदर सिंह। जतिंदर जी की लगता हैगा कि पाऊंगा कुछ जोर पाऊंगा इस बार? हाँ जी पूरा जोर, जिन्ना किसानां दे एका आ बहुत वधिया रिस्पोंस मिल रहा सानूं किसानां वल्लों। काफ़ी देर तो पक्का मैं कहा 3-4 बार हो चुका भारत बंद, हजे तक कानून वापसी कोई गल होगी? पक्के जरूर ही होंगे, जरूर होंगे। तो इदा ही डटे रहोगे? इदा ही भावें 2 साल लग जाए 3 साल लग जाए, साढ़े किसान पूरे देखो तो चढ़ती कला जहा। सो ये किसानों वालों कहा जा रहा कि हाँ बेशक 2 साल हो जाए आप कानून रात जद तक नहीं होंगे तद तक आप कहें पिछे ने टांगे। साढ़े नाल आप इस वेले पंजाब टैक्सी ओपरेटर यूनियन हुशियारपुर तो प्रधान ने नवदीप जी। नवदीप जी तुसी बीते दिन ही दस्या सी साढ़े चैनल के माध्यम तो कि आप पूरा इन्हों समर्थन देवे किसानों, की लगता हैगा तुहानू कि किन्ना कु प्रभाव पेगा इस बंद का? देखो जी असर तो यह जिहड़ा आ पूरा देश दे उत्ते असर आ, ये कोई कला जे कहीए पंजाब हरियाणा या यूपी राजस्थान का कला संघर्ष नहीं, ऑल ओवर इंडिया का संघर्ष आ। तो जदों जदों भी कोई जालम हुकूमत दिल्ली की गद्दी ते बहनी आ के उदों उदों जिहड़े आ संघर्ष हरेक स्टेट चों, चाहे वह पंजाब आ साडा मोहरी स्टेट आ संघर्ष के मामले, क्योंकि आजादी की जिहड़ी लड़ाई आ उहदे च जिहड़ियां सब तो वध कुर्बानियां आ उह पंजाब दीआं आ। तो इसलिए ये संघर्ष जिनी देर असी जितते नहीं उन्नी देर असी दिल्ली के बार्डर तो वापस नहीं आते। नवदीप जी ये मेरे ख्याल पहला संघर्ष है जिदे राजनीतिक पार्टियां का कोई इनवॉल्वमेंट नहीं है, किसान हो आम वर्ग हो अपने बलबूते लड़ता है, कि देखते हो सर उस? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये संघर्ष बचिया भी तो ही है कि किसी भी पोलीटिकल पार्टी को स्टेज नहीं अज तक सांझी कर दिती, चाहे वह कांग्रेस आ BJP आ अकाली दल आ। BJP का कट्टर विरोधी हाँ अभी BJP के, क्योंकि BJP हुकूमत ही ये कानून पास होए आ। तो इसलिए किसानी संघर्ष का कामयाब होने का सब तो वड्डा कारण यह आ कि पोलीटिकल पार्टी को किसी को भी स्टेज जी सांझी नहीं करन दिती। इदा का जज्बा कितनी देर तक रहेगा जे कानून नहीं वापस होंगे तुहाडे जो नौजवान है, किदा का जज्बा बरकरार रहेगा कितना कितने ढिल भी पै सकती है? नहीं जी ये तो साढ़े खून चा, ये तो जज्बे वाली गल ना ही कित पोटअप करो तो वधिया गल, क्योंकि जिहड़ा संघर्ष आ जिहड़ी अपने हकों की आवाज़ आ वो साढ़े खून चा, क्योंकि असी पंजाबी हाँ तो पंजाबी अज तक अपने हकों लिए लड़ता रहा, तो आने वाले समय च भी लड़ता रहूगा, चाहे सानू 2024 तक क्यों ना यह संघर्ष ले आना पवे। किसान जथेबंदियों के नाल आ संयुक्त मोर्चे के नाल आ, पहले दिन तो किसानी संघर्ष में समर्पित हाँ, तो जदों तक ये संघर्ष जित के किसान वापस नहीं आते उदों तक असी उन्होंने समर्पित हाँ। किसी भी तरीके की कुरबानी देनी पवे तैयार है तुसी? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई कुरबानी देनी पवे तैयार हाँ। की मैसेज दोगे मोदी साहब नूं अज दे भारत बंद दा? मोदी साहब नूं ये मैसेज दिंदे हां जी कि भारत बंद करना भी साडी कोई खुशी नहीं हैगी, साडा कोई सानू कोई चा नहीं हैगा कि असी बार बार भारत बंद करिए। जिनी जल्दी कानून वापस लाओगे उन्नी जल्दी ये एजीटेशन खत्म होगा, जिनी जल्दी ये MSP दे तुसी गरंटी दोगे उन्नी जल्दी ये किसान अपने घर आउणगे। ते मैं अगे असी बेनती करते रहे पिछले साल सवा साल तो, हुण असी बेनती नहीं कर रहे,
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਾਰਤ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ 2024 ਆ ਜਾਵੇ 2026 ਆ ਜਾਵੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਉਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਮੈਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ, 24 ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜੂਗਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।